नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जेट केयर सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं राजकुमार शर्मा आज के इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि CDS 100 सीरीज के प्रिंटर को 1x1 स्टेप में प्रॉपर तरीके से हम कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने में हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारी मशीन प्रोडक्शन पर लगी हुई तो हमारे पास क्या होता है कि ब्रेक डाउन में हमारी मशीन नहीं आती है, प्रिंट की क्वालिटी अच्छी आती है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने वर्किंग एरिया में चलते हैं जहां हमने हमारा प्रिंटर रखा हुआ है और वहां हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों ये मशीन का हेड है, ये हमारा मशीन है। अब हम आपको इस मशीन में दिखाएंगे कि हम कैसे इसको प्रॉपर तरीके से 1x1 स्टेप में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेन स्विच ऑन करेंगे। मेन स्विच के बाद हम UPSC सप्लाई ऑन करेंगे। उसके बाद हम मशीन का स्विच ऑन करेंगे। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रहे कि मशीन पे UPS है वो लगा होना चाहिए। बाय द वे अगर बीच में सप्लाई चली जाती है तो आप अपनी मशीन को प्रॉपर वे में आप शट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों यहां आप देख रहे होंगे ये एडिट है, ये ब्राउज है, प्रिंट पैरामीटर हैं, इंक पैरामीटर हैं, सिस्टम सेटिंग, अबाउट, पंप कंट्रोल, प्रिंट कंट्रोल, ये इंक कार्टेज है, ये मेकअप कार्टेज का निशान है, ये सर्विस से रिलेटेड है, ये आपका जो हमने कोई मैसेज ऐसे ही बनाया हुआ है वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको डिस्प्ले पे एक चीज़ नज़र आ रही होंगे। तो दोस्तों मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी मशीन का हेड क्लीन है या नहीं है। अगर दोस्तों क्लीन नहीं है तो पहले हम अपनी मशीन का हेड क्लीन करेंगे। वैसे तो हमें यहाँ पे प्रॉपर क्लीन नज़र आ रहा है, हल्का सा इंक लगा हुआ है तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो वॉश जो रह जाता है आप उसको यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। टिश्यू पेपर क्या होता है कि ये जो मॉइस्चर वगैरह जो भी होता है उसको सोख लेता है, और अगर आपके पास ड्रायर हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि बारिश के टाइम में अगर आप ड्रायर यूज करोगे तो आपको दिक्कत बहुत कम आएगी या आए भी नहीं आपको दिक्कत। क्लीन करने के बाद दोस्तों अब आपको जाना रहेगा मशीन के पंप कंट्रोल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये रेड हो जाएगा तो आपका मशीन स्टार्टिंग के प्रोसेस में आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये पंप प्रेस कर रहा है जो कि प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट होगी और फिर नोजल में इंक आएगी। जब तक ये मशीन रेडी नहीं होगी जब तक ये यहाँ तक फिल नहीं हो जाएगा, ये पूरे एक प्रोसीजर होता है इसके अंदर। जब तक वो प्रोसीजर नहीं होगा तब तक मशीन आपकी रेडी नहीं होगी। जैसे ही दोस्तों नोजल से इंक गटर में या कैचर में आएगी आपको आवाज़ आ जाएगा सकिंग का, आप आवाज़ सुन भी सकते हैं सक करने का, सरसर का जो आवाज़ आ रहा है। ये जो सरसर की आवाज़ आ रही है ये इंक सक्शन की आवाज़ आ रही है जो कि सक्शन पंप की आवाज़ है। आप देखते हैं पंप कंट्रोल पे ये जो निशान है ये रेड हो गया है और यहाँ पे जो था वो निशान प्रोग्रेस का वो चला गया है। अब आपका मशीन रेडी है, अब आप कवर लगा सकते हैं।
कवर लगने के बाद अब आप प्रिंट कंट्रोल पे जाके अब आप प्रिंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये प्रिंट काउंटर नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका प्रिंट नहीं आ रहा है। आपने कमांड तो दे दिया है प्रिंट का, लेकिन प्रिंट अभी नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने ये नया मैसेज बनाया था। तो नया मैसेज जब भी बनाते हैं हमें उसके पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो हम जाएंगे प्रिंट पैरा में जाएंगे, सेंसर नहीं लगा हुआ है, हम टाइम मोड में हम चलाएंगे। आप देखेंगे जैसे ही हमने टाइम मोड में करा, क्योंकि सेंसर लगा हुआ नहीं है और प्रिंट रेडी है। अब आपको इसका प्रिंट दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे प्रिंट काउंटर चल रहा है, प्रिंट आ रहा है। देख रहे हैं दोस्तों एकदम क्लियर प्रिंट है। तो दोस्तों आपने देखा आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि CDS 100 सीरीज के प्रिंटर को कैसे प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको CDS 100 के प्रिंटर्स में अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।